बाराबंकी जनपद का एक ऑडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक पत्रकार दूसरे पत्रकार पर आरोप लगा रहा है और दूसरी ऑडियो में पत्रकार पैसे की मांग भी कर रहा है। लेकिन जब पत्रकार ही पत्रकार की बुराई करने लगे और चौथा स्तंभ को कलंकित करने की बात आ जाती है। बाराबंकी जनपद में पत्रकार सरवन चौहान अपने आप को बड़ा पत्रकार बताते हुए दूसरे पत्रकार को किस प्रकार से सिखा रहा है कि मैं भी खाता हूं, लेकिन सिस्टम से जब ऐसे पत्रकार पत्रकारिता की छवि खराब करने पर तुल जाए तो उनको जेल में डाल देना चाहिए। सूत्रों की माने तो ये पत्रकार सरवन चौहान और कोटेदार की मिलीभगत से गरीबों का सारा राशन हड़प हो जाता है। हमारे तो जान से मारने की धमकी दे रहे हैं बड़े बड़े लोग ऊपर से आके। ये पत्रकार एक जो आते सरमन कुमार और ये कोटेदार और साथ में इनका क्या नाम है दुर्गा बकस सिंह प्रधान, ये लोग सारे लोग मिलके बड़े आदमी हैं। इन लोगों हम गरीब आदमी कोई सुनवाई हो नहीं रही है। ये जाल जाते हैं ठाकुर लोग जाते हैं, एक एक गोरी उठा लाते हैं, हम लोगों को मिलता है नहीं कुछ। बाद में जाते हैं चले जाओगे राशन बट गया, हम लोग जाते हैं तो राशन बताते हैं बट गया पूरा सब गाँव के लेके। ये आया है राशन बटवाई से शाम को, सुबह गए सबको लोग भगा दिया है कोटेदार ने। और जो इसमें पवन सरवन कुमार जो को है पत्रकार जो है वो उसने धमकी दी है मारने के लिए की। ये जो ब्रजेश पत्रकार है ये राशन इन्होंने बटवाया है, जब इन्होंने ये खबर बाहर निकाली तो इनके खिलाफ भी कार्रवाई हुई है और इन्हें मारने की धमकी दी गई है। और ये बोला है कि जो तुम लोग किए हो तुम लोगों को जेल भिजवा देंगे। और इसमें सब लोग मिले हैं कोटेदार और सब लोग मिलके पैसे भी खा रखे हैं सबसे इन्हें बढ़ाने के लिए। और पत्रकार और जो पत्रकार है ना सरवण कुमार सिंह वो कहता है कि मदारपुर में 20 बच्चे 25,000 रुपये जो कोटेदार से लिया हो जी हमें नहीं पता है, क्योंकि वो उनके तरफ से कार्रवाई कर रहा है वो उल्टा खबर। लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।